सो ही गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल मिस्टर मन्नो गेमिंग। तो भाई कैसे हो आप लोग, आई होप क्या सभी लोग बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया ही रहना। तो गाइस आज मैं आप लोग के लिए एक और फ्रेश न्यू वीडियो लेकर आ चुका हूँ, जिसमें हम लोग बात करने वाले ग्रेनर प्रिपेयर से रिलेटेड काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जैसे की हम लोग बात करेंगे आप लोग के अपकमिंग टॉपअप इवेंट्स के बारे में। साथ ही गाइस आप लोग के इनक्यूबेटर वाली M10 गन स्किन के लिए भी कुछ रिटर्न की अपडेट निकल कर आ रही है, जो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे आप लोग के सामुराई बंडल रिटर्न और न्यू इमोट के बारे में, और बात करेंगे कुछ अपकमिंग इवेंट्स के बारे में। तो भाई आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को जरा भी स्किप करते हो तो काफी सारी अपडेट्स मिस कर दोगे। एंड गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहने वाली है कि भाई अगर आप लोग को ये वीडियो देखने के बाद जरा भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लो, क्योंकि मैं आप लोग के लिए प्रिपेयर से रिलेटेड हर एक अपडेट की वीडियो लेकर आता रहता हूं। सो गाइस अगर आप लोगों ने दोनों काम हमारे लिए कर दिए हैं तो बिना किसी देरी के हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक के बारे में बता देता हूं, जिससे कि भाई अगर आप लोगों का फ्री फायर गेम गलती से अनइंस्टॉल हो जाता है या फिर भाई आप लोगों को अपडेट देखने को मिलता है तो आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो भाई इसके लिए आप लोग को सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, वहां पे आप लोग को टाइप करना है ff.garena.com, ये फ्री फायर की ऑफिशियल वेबसाइट है। और जैसे ही आप लोग इस वेबसाइट को ओपन करते हो तो भाई यहाँ पे आप लोग को दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं कि भाई आप लोग अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हो या फिर भाई आप लोग क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड करना चाहते हो। और फिर आप लोग को यहाँ पे क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड करना है, क्योंकि आप लोग के प्ले स्टोर से तो फ्री फायर गेम को हटा दिया गया है। इसलिए जैसे आप लोग यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो भाई आप लोग को एक और विंडो देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप लोग को डाउनलोड एनीवे पे क्लिक कर देना है और आप लोग का फ्री फायर गेम इजिली तरीके से डाउनलोड होने लगेगा। और डाउनलोड होने के बाद आप लोग अपने फोन में फ्री फायर गेम को इजिली तरीके से इंस्टॉल कर पाओगे। तो भाई यहाँ पे आप लोग हमारा लेटेस्ट अपडेट वाला फ्री फायर गेम डाउनलोड करने के लिए मिलता है। तो अगर वो भी अपडेट आने तक हमारे फ्री फायर गेम को प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं करवाया गया तो भाई आप लोग यहाँ से अपने फ्री फायर गेम को इजिली तरीके से अपडेट कर पाओगे। बाकी यार इसकी लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखी है, अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप लोग वहाँ से जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। यार ये तो बात होगी आप लोग के फ्री फायर गेम डाउनलोड के बारे में, अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रेनर फ्री फायर से रिलेटेड कुछ अपडेट के बारे में, जिसमें सबसे पहली अपडेट आप लोग की M10 गन स्किन रिटर्न के लिए निकल कर आ रही है। तो भाई जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जो M10 की स्किन आप लोगों को काफी टाइम पहले हमारे इंक्यूबेटर में देखने को मिली थी, और यहाँ पे इन गन स्किन के लिए लीक्स निकल कर आ रही है कि भाई ये वाली गन स्किन हमारे सिंगापुर सर्वर पर 26 फरवरी को रिटर्न में देखने को मिलने वाली है। और अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं आप लोगों को सिंगापुर सर्वर के इवेंट्स एंड अपडेट क्यों बता रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई हमारे इंडियन सर्वर में फ्री फायर को थोड़ी टाइम के लिए टेम्पररी ब्लॉक कर दिया गया है, जिसकी वजह से यार अभी आप लोग के इवेंट्स एंड अपडेट की कन्फर्म लीक मुझे नहीं मिल पा रही। जब तक हमारा फ्री फायर गेम प्ले स्टोर पर नहीं आ जाता तब तक मैं आप लोगों को कोई भी इवेंट कन्फर्म नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यार मैं आप लोगों को बता दूं हमारे सिंगापुर सर्वर और इंडियन सर्वर के इवेंट्स वगैरह लगभग सेम ही चलते रहते हैं, इसलिए आप लोगों को ये वाली M10 गन स्किन हमारे इंडियन सर्वर पर 26 फरवरी को रिटर्न में देखने को मिल सकती है। बाकी रही बात आप लोग के इंक्यूबेटर बंडल रिटर्न के बारे में, तो भाई जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, ये जो बंडल से मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुका हूँ, जब हमारे फ्री फायर को टेम्पररी ब्लॉक भी नहीं किया गया था तब भी इनकी लीक्स निकल कर आ चुकी थी, इसलिए ये वाले इंक्यूबेटर के बंडल आप लोग को हमारे इंडियन सर्वर पर 25 फरवरी को रिटर्न में देखने को मिलने वाले हैं, जिनके लिए मैं आप लोग को ज्यादा कुछ कन्फर्म तो नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि भाई हमारे फ्री फायर को टेम्पररी ब्लॉक कर दिया गया है, तो हो सकता है कि शायद से आप लोग को ये इंक्यूबेटर के बंडल रिटर्न में देखने को नहीं मिले, लेकिन भाई इनके रिटर्न में आने की बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन रही है। सो अगर आप लोग को ये बंडल कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहे हैं तो भाई आप लोग अपने डायमंड्स वगैरह सेव करके रख लेना, 25 फरवरी को हमारे इंडियन सर्वर भी रिटर्न में नजर आ सकते हैं। और इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, जो कि भाई आप लोग के ईओ फार्मर्स के बारे में निकल कर आ रही है। तो भाई जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हमारे काफी सारे सर्वर पर ईओ फार्मर्स को डाल दिए गए, जो कि आप लोग को फेडलविल इवेंट में देखने को मिल जाती है। और यार सच्ची बताऊं तो मुझे ईओ फार्मर्स बिल्कुल भी चलाना पसंद नहीं है, लेकिन यार इसका लुक इतना ज्यादा खतरनाक बनाया गया है, मतलब यार देखते ही आप लोग को पसंद आ जाएगी, और यार अगर आप लोग इसे हाथ में पकड़ते हो तो भाई और भी ज्यादा खतरनाक लगती है, मुझे तो भाई बहुत ही ज्यादा पर्सनली अच्छी लगी है। बाकी यार हमारे ईओ फार्मर्स के इमोट को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ था, क्योंकि भाई हमारे दो दो इमोट ईओ फार्मर्स के लिए निकल कर आ रहे थे, लेकिन यार जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को ईओ फार्मर्स का इमोट कुछ इस तरीके का देखने को मिलने वाला है। बाकी यार जो दूसरा इमोट निकल कर आया है उसके बारे में आप लोग को बता दूंगा, लेकिन भाई आप लोग की ईओ फार्मर्स का इमोट कुछ इसी तरीके का होने वाला है। तो आप लोग हमारे इंडियन सर्वर पर ईओ फार्मर्स 19 फरवरी को देखने को मिलने वाले थे, लेकिन यार आप लोग के एफएफ के टेम्पररी ब्लॉक होने के चक्कर में आप लोग को नहीं दी गई। तो मैं आप लोग को बता दूं हमारे इंडियन सर्वर पर ईओ फार्मर्स को 3 मार्च के बाद डाला जाएगा, जब तक कि भाई आप लोग का टॉपअप वगैरह भी होने लग जाएगा, इसलिए यार मैंने आप लोग को पहले ही बता दी है। अब आप लोग निकालना चाहते हो तो भाई अपने डायमंड्स वगैरह बचा के रख लेना। और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे आप लोग के अपकमिंग टॉपअप इवेंट्स के बारे में और सामुराई बंडल रिटर्न के बारे में, लेकिन यार उससे पहले अगर आप लोग मेरी वीडियो पे अभी तक बने और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लो, ताकि आप लोग को हमेशा इसी तरह फ्री फायर से रिलेटेड हर एक अपडेट की वीडियो मिलती रहेंगे और आप लोग आने वाली कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाओगे। तो भाई मैं 1 2 3 तक काउंट करूंगा, आप लोगों को एक साथ लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। ओके 1 2 3
3। लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। होप करता हूं आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। अब हम लोग बात करें आप लोग के अपकमिंग टॉपअप इवेंट के बारे में, यानी कि भाई आप लोग को फ्लैश टॉपअप इवेंट के बाद कौन सा नया टॉपअप इवेंट देखने को मिलने वाला है। तो भाई जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग को हमारे इंडियन सर्वर फ्लैश टॉपअप इवेंट के बाद कुछ इस तरीके का टॉपअप इवेंट देखने को मिलेगा, जिसमें अगर आप लोग 100 डायमंड का टॉपअप करते हो तो आप लोग को एक हमारे ईओ फार्मर्स की सर्वबोर्ड की स्किन देखने को मिल जाती है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो काफी ज्यादा ओपीसी सर्वबोर्ड की स्किन दी गई है। इसके अलावा अगर आप लोग 500 डायमंड का टॉपअप करते हो तो भाई आप लोग को एक ओपीसी हमारी बैकपैक की स्किन देखने को मिल जाती है, जो कि यार हमें लेवल 3 पर काफी ज्यादा डरावनी सी देखने को मिल जाती है। बाकी यार मैं आप लोग को लेवल 2 और लेवल 1 पर भी दिखा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। बट जो बात हमारी लेवल 3 के बैकपैक में होती है वो बात किसी भी लेवल के बैकपैक में नहीं होती है। तो भाई आप लोगों को इस तरीके का टॉपअप इवेंट हमारा नेक्स्ट टॉपअप इवेंट देखने को मिलने वाला है। अब बात करें इस टॉपअप इवेंट के बाद आप लोग को कौन सा नया टॉपअप इवेंट देखने को मिलने वाला है, यानी कि भाई 3 मार्च को जो टॉपअप इवेंट देखने को मिलेगा उसके बाद आप लोग को कौन सा नया टॉपअप इवेंट हमारे इंडियन सर्वर पर नजर आएगा। तो भाई जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये वाली ग्लोरल स्किन आप लोग के अपकमिंग टॉपअप इवेंट के लिए निकल कर आ रही है, यानी कि भाई आप लोग इसे नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपअप इवेंट भी मान सकते हो, जिसमें अगर आप लोग 250 डायमंड का टॉपअप करते हो तो भाई आप लोग हमारी फार्मस गन की थीम पर ही एक ग्लोरल स्किन देखने को मिल जाती है। अगर इतने कम डायमंड के टॉपअप कर आप लोग को एक ग्लोरल स्किन तो शायद से नहीं दी जाएगी, लेकिन जहां तक मुझे लगता है आप लोग को 300 डायमंड के टॉपअप पर ये वाली ग्लोरल स्किन हमारे इंडिया सर्वर पर नजर आ सकती है। तो ये दोनों टॉपअप इवेंट आप लोग के अपकमिंग टॉपअप इवेंट होने वाले हैं। इसके बाद हम लोग बात करें आप लोग के सामुराई बंडल रिटर्न के बारे में, तो भाई यहाँ पे आप लोग के सामुराई बंडल रिटर्न के लिए भी काफी टाइम से लीक्स निकल कर आ रही थी, और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे ब्राजील सर्वर पर सामुराई बंडल रिटर्न में आ चुका है, यानी कि भाई हमारे ब्राजील सर्वर पर ईओ फार्मर्स को डाल दिया गया और साथ ही में यहाँ पे सामुराई बंडल भी रिटर्न में देखने को मिला है। और यार ये भी हमें उसी इवेंट में देखने को मिल जाता है जिसमें भाई हमारी ग्रीन क्रिमिनल रिटर्न में दिया गया था। साथ ही में गाइस यहाँ पे आप लोग को हमारे एक न्यू इमोट भी देखने को मिल जाता है, और भाई आप लोग इस इमोट को तो अच्छे से पहचानते होंगे। तो भाई ये वाला इमोट आप लोग को कुछ इसी तरीके के इवेंट में हमारे सामुराई बंडल रिटर्न के साथ दिया जाएगा, क्योंकि यार आप लोग को पता है भाई इतना ज्यादा रेयर इमोट है और साथ ही में भाई सामुराई बंडल भी काफी ज्यादा रेयर है। तो ऐसे किसी नॉर्मल से इवेंट में तो आप लोग को ये दोनों चीजें नहीं दी जाएंगी, जहां तक मुझे लगता है शायद से आप लोग को हमारे इंडियन सर्वर पर भी कुछ इसी तरीके के इवेंट में ये दोनों चीजें दी जाएंगी। तो जब भी हमारे इंडियन सर्वर पर ईओ फार्मर्स को डाला जाएगा, जहां तक मुझे लगता है शायद से 3 मार्च के बाद आप लोग को हमारे इंडियन सर्वर पर ईओ फार्मर्स नजर आई जाएगी, तभी भाई आप लोग को ये दोनों चीजें भी हमारे इंडियन सर्वर पर नजर आ सकती है। और इसके लिए जो इवेंट निकल कर आ रहा था मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ। और फाइनली गाइस हम लोग बात करते हैं आप लोग की लास्ट अपडेट के बारे में, तो भाई जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारे इको सर्वर कुछ इस तरीके का इवेंट देखने को मिल रहा है, जिसमें आप लोग को हमारा काफी पुराना से एक रेड वाला बंडल देखने को मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पे और भी काफी सारे रिवार्ड्स डाले गए हैं, जो कि यार नॉर्मल से रिवार्ड्स है, इतने ज्यादा कुछ खास नहीं दिए गए, लेकिन भाई आप लोग के जो बंडल है हमारे इंडियन सर्वर पर जल्दी रिटर्न में देखने को मिल सकता है। बाकी इस इवेंट के लिए मैं आप लोग को ज्यादा कुछ कन्फर्म नहीं करूंगा, ये निकल कर आ रहा था इसलिए मैंने आप लोग को दिखा दिया है। सो गाइस आप लोग के ईओ फार्मर्स से रिलेटेड और न्यू इमोट और सामुराई बंडल से रिलेटेड कुछ ये नई नई सी अपडेट निकल कर आ रही थी, जो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया। सो गाइस होप करता हूं आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, और भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लेना, ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए कोई भी न्यू अपडेट की वीडियो लेकर आता हूं तो मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाती है, आप लोग मेरी वीडियो सबसे पहले वॉच कर पाते हो, इसलिए बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट जरूर से कर लेना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ज्यादा न्यूज एंड अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।